सूजी केक तो मैंने पहले भी बनाया, लेकिन आज हम बनाएंगे मेरा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल मैंगो सूजी केक, जिसे हम बनाएंगे बिना ओवन, बिना अंडों और बिना मैदा के। जी हाँ, उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा, और मैंगो सीजन में भी हैं तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सुपर स्पॉन्जी और मज़ेदार मैंगो सूजी केक बनाने के लिए यहाँ पे मैं दो मैंगोस यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अल्फांसो यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने इसे कट कर लिया बड़े पीसेस में, क्योंकि हम इसको वैसे भी पीसने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे ये रेसिपी जो है ना बहुत ही आसान हो जाने वाली है, क्योंकि सब कुछ हम एक ब्लेंडर में पीस देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा ब्लेंडर, ताकि सारी चीज़ें आसानी से एक बार में पीस जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक सूजी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थी, आप चाहे तो मोटी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें पिसने ही वाली है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दही। तो यहाँ पे मैं फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ, मतलब सिर्फ कल की जमी हुई दही है, बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं यूज़ करना है, वरना क्या होगा, जो मैंगो केक का फ्लेवर है ना, जो मिठास है, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप उसी मेजरमेंट से रेगुलर शुगर, मतलब ये पीसी हुई शुगर नहीं है, इसको इसमें डाल देंगे, क्योंकि सब पीस जाएगा इसमें। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी सारे मैंगो के पीसेस, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल। तो सारे मेजरमेंट्स मैंने इसी कप से किए हैं, जो कि है 250 ml का। आपके पास जो भी फिक्स मेजरमेंट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, एकदम बीच में आपको दिखाती हूँ, एकदम स्मूथ हो गया है, लेकिन जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा गाढ़ा है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। तो टोटल दूध हम यूज़ करेंगे करीबन 1/2 कप। तो उसमें से मैं थोड़ा दूध इस वक्त यूज़ कर रही हूँ, और फिर से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये और स्मूथ हो जाए। ये देखिए, हमारा स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पिस गई है ब्लेंडर में। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। ये देखिए, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी है। तो इसको ढक के साइड में रख देंगे करीबन 30 से 40 मिनट के लिए। तो जब तक सूजी रेस्ट कर रही है, यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ टूटी फ्रूटी 2 टेबल स्पून। इसमें हम डाल देंगे बस 1 टीस्पून मैदा, और इसको अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। वो इसलिए ताकि जब टूटी फ्रूटी केक के अंदर डालेंगे ना, और जब वो बेक होगी ना, तो वो नीचे जाके सेटल नहीं होगी। तो करीबन 40 मिनट हो गए हैं सूजी को रेस्ट होते हुए, चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, सूजी का मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी बाकी का बचा हुआ दूध। तो दूध फ्रेंड्स आपको 1 से 2 टेबलस्पून कम ज़्यादा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सूजी, डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर ऑफ योर मैंगो। तो बस आपको जो कंसिस्टेंसी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसा गाढ़ा मिक्सचर होना चाहिए, लेकिन स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। इसमें हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए। तो इसमें हम डाल देंगे अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। लेकिन उसको डालने से पहले यहाँ पे मैंने लिए बड़ी सी कढ़ाई, इसको पहले प्री हीट कर लेंगे। तो इसके बेस पे मैं डाल रही हूँ ये स्टैंड, जिसके ऊपर हम अपना केक टिन रखेंगे, और इसको ढक के प्री हीट होने देंगे, यानी अच्छे से गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है, चलिए बाकी का तैयारी कर लेते हैं। तो अब इस मिक्सचर में मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज़ों का मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, तो आप इसके बदले 1.5 टीस्पून इनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे, इन दोनों का रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा केक में। बस मिक्स कर लीजिए, बट बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स भी नहीं करना है, वरना क्या होगा, इसके जो भी अंदर एयर बनी है ना, वो सेटल हो जाएगी। तो नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने केक टिन लिया है, जिसको मैंने वाटर पेपर डाल दिया है और इसे ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास वाटर पेपर नहीं है, तो आप सिंपली इसको तेल या बटर के साथ ग्रीस करके ऊपर से मैदा स्प्रिंकल करके उसको छिड़क सकते हैं। तो बस इस केक बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस टिन में। ये देखिए, कितना अच्छी कंसिस्टेंसी का, रिबन कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे पूरा, और इसके ऊपर अब स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़े से और टूटी फ्रूटी। लग रहा है ना एकदम मज़े का और कलरफुल। आप चाहे तो इसके ऊपर नट्स भी डाल सकते हैं, तो थोड़े से नट्स भी मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो अब इसको प्रीहीटेड कढ़ाई में बेक होने के लिए रख देंगे,
और इसको ढक देंगे और इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकने देंगे। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लोएस्ट फ्लेम पर पकने देंगे करीबन 45 से 50 मिनट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर मोल्ड। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक टिन यूज़ किया है, इसके लिए मैं इसको काफ़ी देर के लिए रख रही हूँ। आपको मैं बताऊँगी बाद में कितनी देर मैंने बेक किया था। तो फ्रेंड्स अब आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि इस केक को पकने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इसको अभी हमें पकाना है लोएस्ट फ्लेम पे, 45 से 50 मिनट्स लग जाते हैं। और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो आप प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। तो करीबन 30 से 40 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स मेरा जो केक है कितना फूल गया है, ये देखिए आपको देख सकते हैं कितना अच्छे से राइज हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट पक ही गया होगा। तो इस वक्त मैंने क्या किया, इसका लेड हटा के मैंने चेक किया, ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी है पर ऐसा लग रहा है कि कच्चा है। तो चलिए नाइफ डाल के चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से पका नहीं है, तो इसको वापस से मैंने ढक के रख दिया करीबन 10 से 12 और मिनट के लिए। तो चलिए लेड हटाकर अब चेक करते हैं। ये देखिए केक एकदम अच्छे से पक गया है, ऊपर जो साइड्स है ना, कोने हैं ना, साइड्स वो थोड़े से छूट गए हैं, इसको देख के ही पता चल रहा है। और नाइफ डाल के भी चेक करूंगी, एकदम क्लीन है, मतलब अच्छे से कुक हो गया है। बस ये है जो फ्रेंड्स जो हम लोग ने राइस आया था ना केक का, जब मैंने पहली बार नाइफ डाल के चेक किया था, दूसरी बार फिर से जब मैंने बेक किया 10 मिनट के लिए, तो थोड़ा सा सेटल हो गया है। तो बस अब इसको निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली, फिर इसको डीमोल्ड करेंगे। तो केक ठंडा हो गया, चारों तरफ नाइफ घुमा लेंगे अच्छे से ताकि ईजिली डीमोल्ड हो जाए, और इसको फिर अपसाइड डाउन किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा टैप टैप करेंगे। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और स्पॉन्जी केक आसानी से निकल गया। तो ये तो मेरा फेवरेट स्टेप है फ्रेंड्स, जब भी केक आसानी से निकल जाता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस इसका बटर पेपर निकाल देंगे, देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। तो इसको ऐसे निकाल के वापस से अपसाइड डाउन ऊपर की तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। अभी एक्चुअली इस वक्त गर्म है ना, इसके लिए जब ये सेटल हो जाएगा तो और स्पॉन्जी हो जाएगा। मैं आपको चारों तरफ से इसकी विड्थ दिखाती हूँ, और अगर आपको चाहिए तो आप उसको सर्व करते समय थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं मैंगो पीसेस के साथ और मिंट लीव्स के साथ। सिर्फ गार्निशिंग के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए अब वेट किस बात का, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। हालांकि केक इस वक्त थोड़ा सा गर्म ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पीस कितना बढ़िया तरीके से निकल गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए बस ये है कि थोड़ा सा सेटल हो जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा ना, नेक्स्ट डे तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस मौसम में, मतलब कि मैंगो सीजन में, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।